नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फाइनेंशियल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ग्रोथ होती है हमारी, मतलब जो हाइट बढ़ती है वो किस तरीके से बढ़ती है और हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो है वो आते हैं। तो बेसिकली जो हाइट जो है वो बढ़ना रहती है तो उसका मतलब ये रहता है कि जो बोन्स का जो है वो ग्रोथ होना, कि बोन्स की जो लंबाई है उसका बढ़ना, तो उससे वही एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि हमारी हाइट का ग्रोथ होना। इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो है वो लिखा है बोन ऑब्लिक हाइट ग्रोथ। मतलब अगर हाइट बढ़ रही है तो उसका मतलब ये है कि बोन्स जो है वो हमारे बॉडी में उसकी लंबाई जो है वो बढ़ रही है। अब ये प्रोसीजर जो है हमारे बॉडी में किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे। कुछ साइंटिफिक टर्म मैंने इस्तेमाल किए हैं जिसका क्लेरिफिकेशन मैं पहले के वीडियोस में ऑलरेडी दे चुका हूं। अब बोन्स से रिलेटेड जो हमारे पहले के वीडियो हैं वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज जो है वो बेसिकली हम लोग कुछ बातें जो है वो समझने वाले हैं कि हाइट किस तरीके से बढ़ती है। तो अगर हम लोग इस बार बात करें कि जैसे कि 16 साल लड़कों की उम्र जब होती है और लड़कियों में जब 14 से 15 साल की उम्र होती है उसके बाद जो है वो लगभग देखा जाता है कि हाइट जो है वो रुक जाती है, उसके बाद हाइट उतनी बढ़ती नहीं है किसी भी व्यक्ति की। तो वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। जैसे ही बच्चे की जब ग्रोथ फेज होता है, मतलब जब बच्चा ग्रोइंग फेज पे होता है बचपन से, जैसे जैसे उसकी बॉडी में ग्रोथ आती है तो उसके बॉडी में हाई अमीनो एसिड लेवल रहता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है और लो फैटी एसिड लेवल रहता है। और जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो, मतलब बाहर खेलता है, प्ले करता है, गेमिंग करता है, कूदता है, खेलता है, दौड़ता है, तो उसके शरीर में काफी जो है वो चैलेंज, जो बदलाव जो है वो आते हैं, कुछ चेंजेस जो है वो होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफी हार्मोनल चेंजेस जो है वो काफी जो है उसके बच्चे के शरीर में होना शुरू होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में का एक हिस्सा रहता है, जो कि उसके नीचे जैसे मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन रिलीज कंट्रोलर है, मतलब हार्मोन को रिलीज करने का जो है वो काम इसके पास रहता है, इसका कंट्रोल इसके पास रहता है। मतलब ये बोलता है कि अभी ये इसके बाद अभी ये हार्मोन रिलीज होना चाहिए, तो वो ऑर्गन या वो पर्टिकुलर जो पार्ट है बॉडी का वो फिर वो हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे ग्रोइंग फेज आती है बच्चे की, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है उसे जो है वो रिलीज करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन रहता है, एंटीरियर पोर्शन दो पार्ट रहता है, तो जो एंटीरियर पोर्शन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसे बोलता है कि अभी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के बाद वो क्या करता है, ये मेनली दो ऑर्गन्स पे स्पेशली काम करता है, तो एक है स्टमक, दूसरा है लीवर। तो स्टमक पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं है आज, मेनली जो है वो लीवर और बोन्स के ऊपर है। तो स्टमक में क्या होता है कि पहले स्टमक में एक ग्रेलिन करके एक हार्मोन रहता है, उसे रिलीज करता है। ये एक हंगर हार्मोन है जो कि भूख बढ़ाता है, जिससे एनर्जी आएगी। जब ग्रोथ चाहिए तो फिर एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी? फूड से आएगी। तो खैर ये दूसरा टॉपिक है, इस पे आज हम लोग डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। आज पहले समझ लेते हैं कि लीवर के अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है जो कि बोन्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है लीवर में क्या जाता है, लीवर में जाता है, लीवर में एक स्पेशल एक रिसेप्टर रहता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर रहता है। तो ये हार्मोन एक ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद वो क्या करता है कि जो एंजाइम है लीवर के अंदर, जिसे कहा जाता है जैग, यानी कि जेनस काइनेस, इस हार्मोन को वो एक्टिवेट करता है ना। तो ये हार्मोन आया रिसेप्टर के साथ मिला और उसने जैग को एक्टिवेट किया। अब जैग क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। जैग का काम क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, ये एक एक को मैसेज ट्रांसफर करने का काम रहता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसे स्टैट्स जो है वो कहा जाता है। तो जैक ने स्टैट्स को एक्टिवेट किया। अब ये जो है स्टैट जो है, जो लीवर में एक जो डीएनए रहते हैं, लीवर के जो डीएनए उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके वो अटैक करता है, उसको एक्टिवेट करता है और वहां से एमआरएनए का प्रोडक्शन होता है ना। तो जैक ने किया, एक्टिवेट किया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जिसका नाम है स्टैट। वो क्या करता है, डीएनए में जाता है, लीवर के डीएनए में, वहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके अटैक करता है, उसे एक्टिवेट करता है, वहां से एक एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। वो एमआरएनए क्या करता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को जो है वो रिलीज करता है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, IGF-1 इसे कहा जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1।
अब ये जो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है ये मेनली जो है वो तीन जगह पे काम करता है, एक है बोन, दूसरा है मसल, तीसरा है कार्टिलेज पे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मसल्स पे, और लेकिन उस पर हम लोग आज ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, बोन्स पे बात करेंगे। तो मसल में क्या करता है, मसल में जाके एक स्पेशल रिसेप्टर के साथ वो जुड़ जाता है और वहां पे अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन करता है जो कि मसल्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है। आते हैं बोन्स पे, बोन्स के क्या कर देता है, बोन्स के अंदर दो सेल्स की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। इन दो सेल्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, ये है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन सी सेल हैं, जो कि न्यू सेल फॉर्मेशन का काम करती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती हैं, ये एब्सॉर्ब द ओल्ड सेल, पुराने जो सेल्स हो गए हैं उसे एब्सॉर्ब करके उन्हें खत्म करने का काम जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट करता है। तो ये इनका जो है वो एक्टिवेट करती है, कौन, IGF-1 ये इसको एक्टिवेट कर देता है। अब क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं उसके जो एंड का पोर्शन रहता है वहां पे एक प्लेट रहती है जिसका नाम रहता है एपिफेजियल प्लेट। बोन ग्रोथ के और टॉपिक में मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो ये कार्टिलेज की एक लेयर रहती है जिसका नाम रहता है कि एपिफेजियल प्लेट। ये एपिफेजियल प्लेट पे जाते हैं, ये जो IGF-1 है ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो रहती हैं ये एपिफेजियल प्लेट्स की सेल्स रहती हैं। तो IGF-1 वहां पे जाके उसे उस सेल्स को स्टिम्युलेट करता है कि भाई उसे प्रोलिफरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए और ग्रोथ के लिए उसे क्या बोलता है कि और सेल्स बनाओ, मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स के जो टिश्यूज रहते हैं उसे कहा जाता है कि और सेल्स बनाओ और उसकी ग्रोथ करो। ये कौन करता है, IGF-1 उसे स्टिम्युलेट करता है। उससे टिश्यूज क्या करते हैं, ज्यादा सेल्स का निर्माण करते हैं। अब जो सेल्स रहती हैं, मान लीजिए यहाँ पे इतनी एक बोन है, फॉर एग्जाम्पल इंटैक्ट बोन है, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ती गई, तो फिर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट रहता है ना, इट गेट कन्वर्ट टू बोन विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे जैसे यहाँ पे ये ग्रोथ हो गई सेल्स की, तो ये अभी सेल्स है तो इसको भी कन्वर्ट करना है बोन्स में, तो ये कौन कन्वर्ट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट वो जो ज्यादा प्रमाण में जो सेल्स ग्रोथ हुई है उसे कन्वर्ट करता है बोन्स में। जबकि ये कब तक होती है, जब तक जो ये एपिफेजियल प्लेट है ये क्लोज नहीं हो जाती है। तो ये क्लोज कब होती है, जब ये एज आ जाती है। तो ये एज में ऐसा क्या होता है कि भाई एपिफेजियल प्लेट जो है वो क्लोज हो जाती है। जैसे ही ये एज आती है, बॉयज में 16 साल और गर्ल्स में 14-15 साल, तब हार्मोनल चेंजेस जो सेक्सुअल हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो व्यक्ति में होना शुरू होते हैं। सेक्सुअल हार्मोन्स काफी ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं इस एज में। इसमें क्या होता है कि इस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण है हमारे बॉडी में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एपिफेजियल प्लेट है वो फ्यूज हो जाती है एक बोन में, मतलब वो इस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो हाइट ग्रोथ जो है उसे रोकने के लिए, या फिर जो एपिफेजियल प्लेट है वो एक उसे एक स्टॉपेज देने के लिए, एक जो एक उसके ग्रोथ को एक स्टॉप करने के लिए। तो ये मेन जो रहता है इस्ट्रोजेन और जो टेस्टोस्टेरोन है, इनकी जो हार्मोनल की जो लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाती है इस एज में, और ये प्यूबर्टी एज जिसे हम लोग कहने शुरुआत होती है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी की हाइट 18 साल या 20 साल के ऊपर भी जो है वो तब तक जो है वो बढ़ती रहती है। कारण ये होता है कि अगर ये प्लेट है तो ये अगर मान लीजिए ओपन है, कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुई है, तो इसलिए किसी किसी को फर्क पड़ता है। कई लोग, आपको पता चल रहा होगा कि इसकी एज जो इसकी हाइट जो है वो 18 साल के तक बढ़ी या 20 साल तक बढ़ी, तो उसके लिए पीछे कारण रहता है ये एपिफेजियल प्लेट का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एपिफेजियल प्लेट क्लोज है या ओपन है, तो आप चाहे तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, ये एज आएगी जब तब आप डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं आप अपना एक्सरे करवा सकते हैं, उनसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई एपिफेजियल प्लेट जो है ये ओपन है कि या क्लोज है। तो अगर उन्होंने कहा कि ये क्लोज है तो उसके बाद ग्रोथ होना जो है वो 99.9% जो है वो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी अगर ओपन है, वो अबाउट टू क्लोज है, तो थोड़ी सी कुछ समय के बाद जो है वो क्लोज हो सकती है, और तब तक जो है जितनी आपकी हाइट बढ़ी तो आप बढ़ सकती है, आप एक्सरसाइज के थ्रू, कुछ डाइट के थ्रू जो है वो थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये था इसके बोन्स और हाइट के ग्रोथ के बारे में। और IGF-1 का एक और भी हम लोग काम जो है वो शॉर्टकट में आपको मैं समझा देता हूं कि जो एडिपोज टिश्यूज रहते हैं हमारे बॉडी में, तो वो एडिपोज टिश्यू में लाइपोजेनेसिस प्रोसीजर के द्वारा जो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में रहते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स को उसे कन्वर्ट करती है फैटी एसिड में और ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज को बाद में फिर शुगर में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ IGF-1। तो ये भी IGF-1 का एक रोल रहता है। तो आज का टॉपिक जो था वो ग्रोथ के ऊपर था, हाइट बढ़ाने के ऊपर और बोन्स के ग्रोथ और इसके ऊपर था।
तो आई होप आपको ये सिंपल टॉपिक जो है वो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।